यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गुड़गांव की जहां से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दो गाड़ियों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत की खबर सामने आई है गुरुग्राम से। जी हां, डीएलएफ इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके की हम बात कर रहे हैं और वहां पर स्विफ्ट डिजायर और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हुई है। जबरदस्त भिड़ंत हुई है और स्विफ्ट डिजायर में बैठे गार्ड और कैब चालक की मौत हो गई है। गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके का यह मामला है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है इस भिड़ंत में और दो गाड़ियां, एक स्विफ्ट डिजायर और दूसरी स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हुई है। स्कॉर्पियो सवार मौके से फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर है, डीएलएफ इलाके का यह मामला है। गोल्फ कोर्स रोड पर अंडरपास में रॉन्ग साइड से आ रही थी गाड़ी और जिसके कारण ये सड़क हादसा हुआ है। इतना ज़बरदस्त ये भिड़ंत रही इतनी कि इसमें दो लोगों की मौत हो गई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। और क्या कुछ इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम से हमारे संवाददाता। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो देखिए, गुड़गांव के गोल्फ रोड की घटना है जहां पर आज सुबह तकरीबन 6 बजे स्कॉर्पियो गाड़ी और स्विफ्ट डिजायर में जो की टक्कर हुई है, जिसमें स्विफ्ट डिजायर सवार जो चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई और जो गार्ड उसकी बैठा हुआ था उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई थी। जो एक महिला थी जो इंडिगो कार की जो पायलट, इंडिगो की जो पायलट थी, वो फिलहाल अभी पूरी तरह से घायल है। हालांकि जो बताया जा रहा है सुबह 6 बजे के करीब अंडर पास से जो है एक स्विफ्ट डिजायर जो है चल रही थी और उसके रोंग साइड से जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी, जिसको लेकर के काफी स्पीड जो है यहाँ पर बताई जा रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी ने दिल्ली को गाड़ी में टक्कर मारी है और उसके बाद जो स्कॉर्पियो गाड़ी सवार है वो मौके से जो है फरार हो गया है। फिलहाल गुड़गांव पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, हालांकि उसका चालक उस समय सेम था, उस सेम गाड़ी चला रहा था, इस बारे में भी जानकारी जो है की जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में ये गोल्फ कोर्स रोड पर अंडरपास बनाए हैं जो कि लोगों को जाम से जो है निजात मिल सके। हालांकि यहाँ पर देखा गया है कि वो अंडरपास कहीं ना कहीं लोगों के लिए मौत का जो है यहाँ पर सबब बनता जा रहा है। इस तरह से पहले भी एक बार हादसा हुआ था क्योंकि रोंग साइड से ही अंडरपास से एक गाड़ी आ रही थी, क्योंकि अंडरपास बनाए इसलिए गए कि लोग जो है उस अंडरपास से गुजरकर काफी स्पीड में जो है अपनी गाड़ियां जो है चला सके। लेकिन जैसे ही सुबह जो है गाड़ी जो आ रही जी गुलशन, गुलशन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो स्कॉर्पियो का चालक है वो मौके से फरार बताया जा रहा है, क्या स्कॉर्पियो गाड़ी मौके पर है? हाँ देखिए, बिल्कुल स्कॉर्पियो गाड़ी जो है फिलहाल वो मौके पर ही है, हालांकि चालक जो है वो फरार हो गया है जी। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक था उसका भी जो है पुलिस ने नंबर चेक कर लिया कि वो गाड़ी किसकी थी। लेकिन फिलहाल अभी गुड़गांव पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश के बाद ही पूरे मीडिया से जो है इसके बारे में ब्रीफ कर पाएगी कि कौन सी गाड़ी चला रहा जी। बिल्कुल, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलशन। तो रॉन्ग साइड से स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी जिसकी वजह से स्विफ्ट डिजायर के साथ उसकी टक्कर हो गई और भिड़ंत इतनी ज़बरदस्त थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई और साथ ही एक महिला इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी है जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में करवाया जा रहा है।